आपकी अरेबिक आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, आपकी एक हंसी पर पूरा जहां लुटाने को जी चाहता है, आपके बिन तो लगे ये जहां भी वीरान, क्योंकि आप ही तो हैं इस दिल का गुलिस्तान। कुछ इन्हीं लफ्जों को एक बार फिर दोहराएंगे नैतिक, जो आज अपने प्यार को दुनिया के उस एक अजूबे की सैर कराएंगे जो 7 अजूबों में से एक है, और उसी अजूबे की खुली हवाओं में करेंगे अपने प्यार का इजहार। नैतिक यानी करण को ये मौका देगा कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश। तो चलिए नैतिक, देर किस बात की है, चल चलते हैं मुंबई से दूर 7 समुंदर पार, स्ट्रेट टू कंट्री ऑफ पिरामिड्स, इजिप्ट में, जो अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए खास जाना जाता है। इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स हो, स्पिरिचुअल टेंपल्स हो, या हो वहाँ की सीनिक ब्यूटी, दुनिया की इस खूबसूरत सी जगह को अगर हम हैरत कहें तो कुछ गलत ना होगा। सास बहू और साजिश के साथ करण और निशा के इस खूबसूरत से सुहाने सफर की शुरुआत हुई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, जिनका पहला डेस्टिनेशन बना कायरो, जहां वन ऑफ द फेमस वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड द गीजा पिरामिड है। हाँ, हम लोग इजिप्ट में हैं, हम लोग कायरो में हैं जो कि इसका कैपिटल है, और ये जो बहुत ही फेमस पिरामिड है ऑफ गीज़ा वहाँ पर है। 3 पिरामिड आप लोग देख सकते हैं पीछे हैं, और आगे स्फिंक्स है जो ये चेहरा आपको दिख रहा है। तो यहाँ तपती धूप में हम लोग आए हैं ये पिरामिड देखने के लिए, काफ़ी टाइम से ये हमारी बकेट लिस्ट पे था, मुझे भी देखना था। ये एक स्टोन था, एक बड़ा सा रॉक था ऑलरेडी, जब ये सेकंड पिरामिड बन रहा था तब ये आगे दिखा इनको, और जो किंग उस टाइम पे थे जिन्हें फेरो कहा जाता है, सेकंड डायनेस्टी कह लीजिए, हाँ जी। तो उन्होंने फिर एक इसी रॉक का लायन की बॉडी बनाई गई कार्विंग करके, और आगे जो था वो एक इंसान का चेहरा बनाया गया है, तो ये उन्हीं का चेहरा है, इसलिए इसको स्फिंक्स कहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हियर। I'm sure Karan is really really happy because yeah, yeah, ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में वो फेरो थे and उनका कुछ लेना देना है इस जगह से। So I'm really happy too. Yes, that Karan is here. More happier for him than me. And yeah, so it's just the first day and we're gonna explore the city.
इजिप्ट की बात होती है तो ममीज की बात होती है। हम आज उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ममीफिकेशन का प्रोसेस किया जाता था। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस था जिसमें बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। दो चेंबर जो नीचे है वहाँ पे ममीफिकेशन की जाती थी और करीबन 70 दिन के लिए ये प्रोसेस की जाती थी, जहाँ पे उनकी बॉडी को नाइल रिवर के जो पानी से है उससे धोया जाता था। डेट्स जो क्या कहते हैं, खजूर की, हाँ, वाइन से उसे नहलाया जाता था। ये ममीफिकेशन की जगह है, फिर वो टेंपल है जहाँ पे बॉडी किंग की जाती थी, जहाँ पे भगवान जज करेंगे कि आप अच्छे किंग थे नहीं थे। तो ये ऐसा कुछ प्रोसेस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आइए अब स्फिंक्स को भी देख लेते हैं। इजिप्ट का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, जहां पूर्वजों की डेड बॉडीज को ममीज के रूप में म्यूजियम में प्रिजर्व कर रखा जाता है। तो मैं यहां पर पहुंच गया हूं, जो कि है यहां का फेमस म्यूजियम कायरो का, जहां पे बहुत सारी चीजें हैं। मुझे बताया गया है यहाँ पर काफ़ी स्टैचूज हैं, ममीज हैं, यहाँ पे सरकोफिकस हैं, जो टर्म कहा जाता था, जहाँ पे जो ममीज थी उन्हें रखा जाता है। तो अलग अलग तरीके के भी हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ है इस कल्चर में सीखने के लिए भी। सो लेट्स गो एंड लेट्स वॉच। पिरामिड अपनी फ्रेग्रेंसेस के लिए भी काफी जानी जाती है, तभी तो देखिए इन इत्रों को कितनी खूबसूरती से ट्राई कर रहे हैं ये लवबर्ड्स। अलग अलग खुशबुओं का आनंद लेने के बाद अब बारी थी इस खूबसूरत सी जगह के कल्चर को और भी जानने की, जिसके लिए ये दोनों पहुँचे नूबियन विलेज। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, मैं है जानम मेरे जिस्म जहाँ पे घरते। हम सोच रहे हैं कि जब रास्ता इतना सुंदर है तो मंजर कितनी सुंदर होगी। वी कांट वेट, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो टू द नूबियन विलेज, जहाँ के लोगों की अपने आप में एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ जाते ही निशा को मिला एक नन्ना सा प्यारा सा मेहमान। आप देख सकते हैं ये क्यूट सा नूबियन हाउस है, जहाँ पर जो पार्ट आप बाहर की, जो बाहर का आंगन जैसा आप देख रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कोर्टयार्ड। ये इनका लिविंग रूम है जहाँ पर फैमिली सारी गैदर होती है और घर की सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। यहाँ ज़मीन पे भी उन्होंने सैंड डाला हुआ है, टाइल्स नहीं लगाते हैं वो।
ऑथेंटिक ज्वेलरी. वाओ लुक एट देम. सब बीड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग. वुडन वुडन बीड्स भी हैं यहाँ पर. तो काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे इंडियन कल्चर से. वाकई किसी ने सच ही कहा है, ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड. तभी तो देखिए किस तरह इन्हीं के बीच खो गई निशा. ये नूबियन विलेजर्स हैं और अलग अलग तरीके से खाना बना रहे हैं. एक्टिविटीज करते हुए उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की. इट्स ब्यूटीफुल. वाकई इजिप्ट के इस छोटे से नूबियन विलेज में आकर निशा का दिल पूरी तरह लग गया था. यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखकर निशा कभी पूरी तरह खो जाती तो कभी अपने हाथों पर यहाँ की फेमस मेहंदी लगवाने लगती.